पास के बीच में आपका बॉल है, तो आप बोलोगे द बॉल इज बिटवीन बॉक्स। ओके, अगर इसका नाम ए रख दिया गया, इसका नाम बी, हाँ, और इसका नाम सी रख दिया गया, तो कैसे कहोगे सी इज बिटवीन ए एंड बी। मान लो सी का बॉल, जिसका नाम, इसका नाम है राम, क्या नाम है राम, हाँ, और इसका नाम है अरमान, क्या नाम है अरमान, हाँ, और इसका नाम क्या है, हाँ, जो भी हो सीखा, ओके, जो भी नाम हो मेरे मन में आ गया, मैंने लिख दिया राम इज बिटवीन अरमान एंड सीखा, राम इज बिटवीन अरमान एंड सीखा। हाँ, इस वक्त की दो मार्कर है और दो मार्कर के बीच में, दो मार्कर के बीच में अगर बॉक्स है तो बॉक्स इज बिटवीन द मार्कर्स, बॉक्स इज बिटवीन द मार्कर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्री पोजिशन क्या होता है, स्थान, यानी किसी स्थान से पहले, किसी पोजिशन से पहले, किसी नाउन से पहले जो वर्ड्स लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आप देख रहे हो ये जो प्री और पोजिशन है ना, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, प्री मीन्स होता है बिफोर, प्री मीन्स क्या होता है बिफोर, और पोजिशन, पोजिशन मीन्स क्या होता है प्लेस, पोजिशन मीन्स क्या होता है प्लेस। यानी जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई नाउन है या प्रोनाउन है और इन दोनों के बीच में संबंध आपका कोई वर्ड जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। लिखा हुआ है अ वर्ड आर अ फ्रेज दैट इज यूज बिफोर अ नाउन, यानी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा फ्रेज जो किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है, एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, टू शो प्लेस टाइम आर डायरेक्शन। और इससे पता क्या चलता है, इससे पता क्या चलता है, ठीक है, या तो या टाइम को बताता है, या तो प्लेस को बताता है, या तो डायरेक्शन को बताता है। स्टूडेंट, व्हाट आई वांट क्लियर इन इट कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आ करके, हाँ, उसकी प्रीपोजिशन किसी प्लेस से पहले आ करके उसमें संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। अ वर्ड आर वेरी बैडली यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम और डायरेक्शन, स्पेशली ये बहुत सारी चीज दिखाता है, लेकिन प्लेस, प्लेस टाइम और डायरेक्शन एक्सेट्रा के स्पेशल में इसे यूज किया जाता है। With the help of this image, I was gonna teach you a very specific topic, preposition. Preposition में एक word होता है in. क्या होता है student? In. ये जो words in है ना, ये place को बताता है. क्या बताता है? Place. Place means क्या होता है? स्थान. जैसे मैं अगर बोलूँ कि this pen is in my pocket. This pen is in my pocket. क्यों? क्योंकि यह एक place के पास में इसे डाल दिया गया, रख दिया गया, क्या होगा, इन माई पॉकेट। यानी आपने समझा कि अगर किसी चीज को किसी चीज के अंदर रख दिया जा रहा है तो आप क्या लगाते हो, इन लगाते हो। आप देख पा रहे हैं बॉल है और बॉल को एक बॉक्स के अंदर रखा गया है, ठीक है, यानी द बॉल इज इन द बॉल इज इन द बॉक्स। आपने क्या समझा, द बॉल इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट है ऑन, नेक्स्ट क्या है ऑन, द मीनिंग ऑफ ऑन क्या होता है भाई, ऑन होता है पर, ऑन क्या होता है पर। आपको यह समझना होगा कोई भी चीज किसी वस्तु के सतह पर अगर रखा हो, ऑन द सरफेस, इफ यू गेट एनीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लेस, देन यू हैव टू यूज ऑन। आप देख रहे हो इस बॉक्स के सतह पर, सरफेस पर ये बॉल रखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे The ball is on the box. The ball is on the box. Next, under.
नेक्स्ट क्या होता है अंडर, नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है नीचे, यानी अगर आप का यह बॉक्स ऊपर है और उसके ठीक नीचे बॉल है तो द बॉल इज अंडर द बॉक्स, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का ही नाम है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट मीन्स होता है के आगे, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है के आगे, यानी द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है बिहाइंड, यानी मीन्स क्या होता है पीछे, यानी मीन्स क्या होता है पीछे, यानी द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ, बॉक्स के ठीक सामने, के सामने हाँ आपका बॉल है ना, तो द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट क्या है बिटवीन, नेक्स्ट क्या है बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, क्या होता है बीच में। ठीक है, क्या करते हो आप देख पा रहे हो, इजिली देख पा रहे हैं कि दो बॉक्स के बीच में आपका बॉल है, तो आप बोलोगे द बॉल इज बिटवीन बॉक्स। ओके, अगर इसका नाम ए रख दिया गया, इसका नाम बी, हाँ, और इसका नाम सी रख दिया गया, तो कैसे कहोगे सी इज बिटवीन ए एंड बी। मान लो सी का बॉल जिसका नाम, इसका नाम है राम, क्या नाम है राम, हाँ, और इसका नाम है अरमान, क्या नाम है अरमान, हाँ, और इसका नाम क्या है हाँ, जो भी हो सीखा। ओके, जो भी नाम हो मेरे मन में आ गया, मैंने लिख लिया, राम इज बिटवीन अरमान एंड सीखा, राम इज बिटवीन अरमान एंड सीखा। हाँ, इस प्रकार से आप लोगों के सिलेबस में जो गिवेन प्रपोजिशन है मैंने यह सीरीज समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अ प्रीपोजिशन आर फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रपोजिशन जो होता है ना यह एक नाउन से पहले प्रयोग होता है, प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है, टू शो या दिखाता क्या भाई, या टाइम दिखा सकता है, प्लेस दिखा सकता है, डायरेक्शन दिखा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। हाँ, योर सिलेबस डिस्क्राइब्स दिस फैक्ट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन, ओके दिस वन। आप इसे ना और आसान भाषा में डिफाइन कर सकते हो, इन ऑन इनटू फार बिटवीन अमंग आर ईटीसी आर प्रपोजिशन, आप ऐसे बता सकते हो। ओके, अब आप देख रहे हो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यह जो बुक है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी टेबल, टेबल आपका क्या एक प्लेस है, टेबल क्या आपका एक प्लेस है, और इस प्लेस पर इस बुक को आप रख रहे हो, हाँ, और इसमें संबंध बता रहा है ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। ऐसे टीचर इज इन द क्लास, टीचर इज इन द क्लास, टीचर क्या है क्लास में, देखो टीचर इज इन द क्लास, टीचर क्लास में है, इन टू द क्लास भी हो सकता है, इन मीन्स भी में, इन टू मीन्स भी में, बट अगर मूविंग मोमेंट में मैं हूं तो इनटू लगेगा, मूविंग मोमेंट में हूं तो इनटू लगेगा, लेकिन मैं अगर एक स्थान पर हाँ बैठा हूं ऐसे अवस्था में मैं क्या लगाऊंगा इन लगाऊंगा। हाँ, आप लगाओगे कि टीचर इज इन द रूम, टीचर कहाँ पे है कमरे में है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, दिस इज पेन एंड दिस इज बॉक्स, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्री बॉक्स एक्चुअली। अब अगर आपको कहना है मार्कर और पेन, पेन इज इन द बॉक्स, पेन इज इन द बॉक्स, पेन इज इन द बॉक्स, ओके, और मार्कर इज इन द बॉक्स, इट्स ओके। द नेक्स्ट मार्कर इज ऑन द बॉक्स, द मार्कर इज ऑन द बॉक्स, ओके। अब अगर आपको लगाना है एक द बॉक्स, जैसे मान लीजिए अगर यह गेट है या बॉक्स है, ठीक है, और अगर यहां पर है जैसे यह जो है ना, मान लीजिए कि मैं हूं, हाँ, और यह क्या आपका गेट है, तो टीचर इज एट द गेट, टीचर इज एट द गेट, एट द गेट, टीचर कहां पर है गेट पर है, टीचर कहां पर है गेट पर है, यह आपका गेट है। और अगर मैं यहां पर हूं, अगर मैं यहां पर हूं तो टीचर इज एट द गेट, टीचर इज एट द डोर। कुछ लोग लगाते हैं ऑन, क्या लगाते हैं ऑन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यू कांट यूज ऑन,
इन दैट केस आन का मतलब यह हुआ या गेट है हाँ या डोर है और डोर के ऊपर टीचर है हाँ हाउ कैन यू यूज भाई आन का मतलब यह हुआ ना कि आप गेट के मैं कहाँ पे हूँ गेट के ऊपर हूँ तो ऐसे तो यूज होगा नहीं यूज कैसे होगा यूज आप क्या लगाओगे एट द गेट आप क्या लगाओगे ना है What behind the pen is behind the box. The pen is behind the box. Pen is behind. Behind means क्या होता है पीछे. Behind means क्या होता है पीछे. यानी the pen is the marker is behind the box. अगर यह pen, अगर यह marker सामने है तो the marker is in front of the box. The marker is in front of the box. Okay. Next. Opposite. और ये बिहाइंड ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं ठीक है लेकिन अब यहाँ पर ये देख रहे हो आप डबल मार्कर है ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है ये क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ऐसे एक नेक्स्ट टू होता है क्या होता है नेक्स्ट टू मीन क्या होता है के सामने के आगे क्या होता है के आगे ओके अंडर का प्रयोग जैसे अगर मैं बताऊँ द मार्कर इज Under the table. The marker is under the table. Yeah, the marker is under the box. Under the box है box के नीचे है तो क्या होगा Under the box. Okay? अब इतने सारे instrument है हाँ इन instrument के बीच में अगर मैं लगाऊँ तो the box is among the markers. हाँ between क्या होता है कि दो मार्कर है और दो मार्कर के बीच में अगर बॉक्स है तो बॉक्स इज बिटवीन द मार्कर्स ओके स्टूडेंट्स वी हैव मोर अदर्स प्रपोजिशन वी विल डिस्कस लेटर ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बाय